अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं वो है चिक डेवलपमेंट। वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा, कॉम्प्लेक्स सा और बहुत लंबा सा एक लेक्चर है जिसको कई हिस्सों में तकसीम करके बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि दो लेक्चर्स में इसको वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि एक लेक्चर में फिर सारा एक ही वाइट बोर्ड पर कवर नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा समझने वाला भी है, तो आप ये पहले देख लें, फिर उसके बाद पे दूसरा लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उस वक्त स्टार्ट होता है जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पता है रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चिकन में होती है। तो चिकन की एग्ज़ाम्पल जब हम लेते हैं तो उसमें तमाम बर्ड्स आ जाएंगे। तो इसमें तकरीबन ये होगा कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट है वो सेम टू सेम होगा। तो आइए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके सामने। तो ये मेरे सामने एक चिकन है, फीमेल चिकन है। तो मैंने इसकी बॉडी को क्रॉस सेक्शन काटा है ताकि हम इसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। फीमेल की बॉडी में, जैसा कि आप जानते हैं कि गोनेड्स होते हैं, फीमेल गोनेड्स जिन्हें ओवरीज कहते हैं, ओवरीज के अंदर ख़ास किस्म के सेल प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं या ये जब डिवेल्प होते हैं तो उनमें से फिर एग की डिवेलपमेंट होती है। बर्ड्स के जो एग हैं, जब उनकी डिवेलपमेंट हो जाती है, या देखें यहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रहे होंगे, ये एग जो हैं वो फॉलिकल के अंदर डिवेल्प हो चुके हैं। तो जैसे ही एग की डिवेलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उस एग को आगे एक डक्ट के अंदर दाखिल कर दिया जाता है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ओवरी के अंदर एग बनना और एग बनने के बाद आगे एक डक्ट के अंदर, ओविडक्ट के अंदर जो है वो दाखिल हो गया, उसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे ही एग ओविडक्ट में से गुजरता है तो यहाँ पर उसकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। स्पर्म जो है वो एग के साथ आकर मिलेगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा, जिससे वो एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट में तब्दील हो जाएगा तो ये एग जो है इसी ओविडक्ट के अंदर अपना सफ़र जो है वो जारी रखेगा। साथ ही इसकी डेवलपमेंट जो है वो भी तकरीबन स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ इस जाइगोट के लिए जो न्यूट्रिशन है योक की शक्ल में वो इकट्ठी की जाती है। उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, एल्ब्यूमिन होती है, वो इकट्ठी की जाती है। उसके बाद फिर इसको एक यूट्रस के अंदर से गुजारा जाता है जहाँ पर शेल ग्लैंड्स होते हैं जो इसके इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल सेक्रीट करते हैं। तो जैसे ही बर्ड्स के एग जो हैं वो फर्टिलाइज होते हैं ओविडक्ट के अंदर, वो गुजरते हैं, उनके अंदर योक बनाई जाती है, एल्ब्यूमन बनाई जाती है, फिर उसको यूट्रस के अंदर से गुजारा जाता है। जैसे ही फर्टिलाइज एग यूट्रस में से गुजरता है उसके इर्द गिर्द एक शेल बन जाता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का शेल कहते हैं। और उसके बाद ये जो एग है उसे क्लोएका के ज़रिए ले कर दिया जाता है। तो एक बर्ड जो है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीशीज़ कौन सी है, उसकी तादाद जो है वो अंडों की डिफरेंट हो सकती है, वो 3 से लेकर मैनी एग्स तक हो सकते हैं। अगर आप चिकन की एग्जांपल लें तो यूजली 5, 7, 12 अंडे जो हैं वो चिकन जो है वो ले कर देता है। तो जब सारे एग जो एक ही वक्त में प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइज हो जाएंगे और उनको बारी बारी ले कर दिया जाएगा, तो उसके बाद अगला मरहला जो है वो आता है इनक्यूबेशन का। इनक्यूबेशन में ये जो हैंस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर से जो कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अंडों को हैच किया जाता है, यानी उनको हीट प्रोवाइड की जाती है बॉडी की। तो इसके लिए जो बर्ड होता है वो एग के ऊपर कॉन्स्टेंटली बैठता है 21 दिनों के लिए। तो उसमें डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनका कैटेगरी जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो 21 डेज़ की इनक्यूबेशन के बाद
एग्स जो हैं उनके अंदर से हैचिंग का प्रोसेस होता है और नए चिक्स जो हैं वो दुनिया में आ जाते हैं और वो पैदा हो जाते हैं। इनक्यूबेशन के पीरियड को हम आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला मरहला हो गया गैमेट फार्मेशन, दूसरा मरहला हो गया जाइगोट फार्मेशन, तीसरा मरहला एम्ब्रियो फार्मेशन, और फिर उसके बाद अगला मरहला जो है वो एग की अंदर एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट, और फिर उसके बाद न्यू बॉर्न चिक का प्रोड्यूस होना, पैदा हो जाना। ये सब हमने बेसिकली इस सारे स्टेप को बारी बारी स्टडी करना है, देखना है कि ये जो डिवेलपमेंट का प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट हुआ। जैसे ही एग हैच हो जाता है, ले कर दिया जाता है और उसकी इनक्यूबेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इससे पहले कि हम आगे चलें मैं थोड़ा सा आपको एग के स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। वैसे तो इसके ऊपर पूरा लेक्चर बनेगा जो कि हम लेटर ऑन बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा आप इसका ओवरव्यू ले लें। तो ये मेरे पास एक चिकन का एग है, सबसे बाहर आपको इसका एग शेल नज़र आता है। एग शेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जैसे ही जब अंडे देने का मौसम आता है तो मुर्गियाँ या बर्ड जो हैं ऐसे पत्थर या कंकर खाते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट हो, या ऐसी गज़ा खाते हैं जिससे उनको कैल्शियम मिले, तो जिससे उनका एग शेल जो है वो डिवेल्प होता है। उसके बाद एग शेल के अंदर एग की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद फिर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग वाइट होती है जिसे एल्ब्यूमन कहते हैं, अंडे की सफ़ेदी होती है जो कि एक लिक्विड मीडियम भी प्रोवाइड करती है और एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन भी करती है। सेंटर में आपको योक नज़र आ रही है जो कि स्टोर्ड फूड होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी होती है, स्टोर होती है, जो कि डिवेलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड का सोर्स बनेगा। ये जो योक है इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है बारीक सी थिन सी जिसे वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि योक को कवर करके रखती है। इसी तरीके से योक को एग के अंदर सेंटर में सस्पेंड करने के लिए एल्ब्यूमिन की ही बनी हुई दो कॉर्ड्स होती हैं, एक इस साइड पे आपको नज़र आ रही है, एक इस साइड पे नज़र आ रही होती है, इसे कहते हैं चलेजा। ये जो चलेजा है ये एग को सेंटर में सस्पेंड करके रखती है। शेल के एक तरफ छोटी सी एक पॉकेट होती है जिसके अंदर जिसे एयर सेल कहते हैं, यहाँ पर हवा होती है क्योंकि जब डिवेलपमेंट ऑफ चिक हो जाएगी कंप्लीट तो यहाँ पर थोड़ी सी मिकदार में हवा ऑक्सीजन मौजूद होती है जिसको चिकन जो है वो ब्रीद करेगा, इनटेक करेगा और उसके अंदर एनर्जी आएगी और ये एग शेल को तोड़कर बाहर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। अगर आप योक को ही देखें तो योक के एक तरफ आपको एक छोटा सा स्पॉट नज़र आता है जो कि बेसिकली एम्ब्रियो है, क्योंकि इसमें डिवेलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, लिहाजा इसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, यानी न्यूली डिवेलपिंग एम्ब्रियो है। अब जहाँ पर ब्लास्टोडर्म होगा वहाँ पे सेल होगा जाइगोट का और वहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके अलावा कहीं पर भी सेल नहीं है पूरे अंडे में। अब अंडे को एक सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंडे के अंदर यही तो वो सेल है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है जिसने डिवेल्प होना है, और इसके अंदर ही न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटीरियल है, बाकी सारा का सारा तो फूड है और साथ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। लिहाजा सम टाइम एग को एक सेल भी कहा जाता है जो कि एक बहुत बड़ा सेल है। जिस हिस्से में एग के सेल होता है उस न्यूक्लियस होता है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं, और जिस हिस्से में न्यूक्लियस नहीं होता जो अपोजिट उसके पोल होता है उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा एग के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो पोर्शन है जिसके अंदर जाइगोट है, एम्ब्रियो है, उसे बाहर निकाल लेना है और अगले मरहले को देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद डिवेलपमेंट का जो पहला मरहला होता है उसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होना, सेल्स का तकसीम होना क्लीवेज कहा जाता है। आमतौर पर एम्फीबियंस और दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे टोड हैं इनके अंदर पूरे का पूरा सेल जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर पूरे का पूरा सेल डिवाइड नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर बहुत सारा मिकदार में योक होती है और उसको पूरे को डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, लिहाजा इसके अंदर जो क्लीवेज का प्रोसेस है, डिवेलपमेंट का प्रोसेस है, वो एक छोटे से हिस्से पर ही फिक्स रहता है। एक देखें, ये एक योक है, रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये जो आपको ब्लैक कलर का सर्कल नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेल है और इसके अंदर ही क्लीवेज का प्रोसेस होगा। अब क्योंकि ये जो जाइगोट है
जो एम्ब्रियो है वो एक डिस्क शेप के अंदर है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, लिहाजा इसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल। और इसकी जब डिवीजन होती है तो इससे छोटे छोटे सेल बनते हैं, लिहाजा इसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये जो क्लीवेज है ये क्या होती है कि आपको पता है कि मियोसिस तो सिर्फ गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए होती है, जैसे ही मियोसिस के अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोड बन जाता है, तो जाइगोड के अंदर एक डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसे क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज कैसे होती है यहाँ पर देखें तो जब हम माइक्रोस्कोप में अंडे को देख रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये जो डिस्क शेप एम्ब्रियो है इसके अंदर एक दरार पड़ गई है, एक लाइन पड़ गई है, एक लकीर पड़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सेल था जाइगोट का वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और ये जो डिवीजन होती है ये आमतौर पर वर्टिकल होती है एक प्लेन के अंदर। थोड़े अरसे के बाद ही, चंद मिनटों के अंदर ही, हमें दूसरी क्लीवेज जो है वो नज़र आएगी। अब यहाँ पर देखें तो ये वही डिस्क है जो के ऊपर लगी हुई है और इसके अंदर आपको दूसरी दरार जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल सपोज़ कर लें कि ये डिस्क है तो पहला जो कट लगेगा या सेल की डिवीजन होगी वो इस प्लेन पर होगी, जबकि दूसरा जो कट है, दूसरी जो डिवीजन होगी वो इसके राइट एंगल पर होगी। अब देखें ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। इस तरीके से एक सेल जो है वो अब तब्दील होकर चार सेल में तब्दील हो गया बेसिकली, लेकिन वो एक ही मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, अलग अलग नहीं हुए। और वो जो डिस्क है वो अभी तक इंटैक्ट है, वहीं पर ही लगी हुई है, यॉक के ऊपर ही यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है क्लीवेज का ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर एनिमल पोल पे, क्योंकि एनिमल पोल की तरफ ही न्यूक्लियस मौजूद है, सेल मौजूद है, जाइगोट मौजूद है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ योक, अंडे की जो जर्दी है उसके ऊपर। जो आमतौर पर हमें बाजार से अंडे मिलते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उनके एम्ब्रियो को किल कर दिया जाता है माइक्रो शॉक के जरिए। जबकि देसी अंडा जैसे मुर्गी का अंडा होता है, अगर आप बाज़ार से लें और उसको कुछ दिनों के लिए घर में रखें तो उसको फिर आप जब तोड़ कर देखेंगे तो उसके अंदर आप एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को बकायदा देख भी सकते हैं। एनी हो, फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरी डिवीजन जो है सेल की वो हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे से होती है, और चार सेल जो बने थे वो आठ सेल में तब्दील हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो डिस्क होती है ये योक से सेपरेट हो जाती है, डिस्क सी बनी हुई है। अब यहाँ पर देखें ये आठ सेल हो गए हैं। उसके बाद फिर ये जो डिवीज़न है ये रैंडम हो जाती है, 8 से फिर 16 बन जाते हैं, 16 से 32 हो जाते हैं, 32 से 64 हो जाते हैं, माइटोसिस हो ही जा रही है, सेल तकसीम होते चले जा रहे हैं। अब ये जो डिस्क है ये देखें, यहाँ पर आप देखें तो एक पूरी की पूरी प्लेट बन गई है, एक सेल्स की लेयर बन गई है। ये जो प्रोसेस है ये है क्लीवेज का, जिसमें एक सिंगल सेल माइटोसिस के ज़रिए होता हुआ तकसीम होता हुआ बहुत सारे सेल में तब्दील हो जाता है, इसे क्लीवेज कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लीवेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अगले मरहले की तरफ। नेक्स्ट जो मरहला है, जो स्टेप है, उसे हम कहते हैं ब्लास्टुला, सॉरी मोरूला। अब यहाँ पर देखें तो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है कि ये जो सारा उसका जाइगोट है, सॉरी योक है, ये आपको रेड कलर में नज़र आ रही है योक। और योक के एक सिरे के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड हुए थे, जिनका नाम हमने अब क्या रख देना है, मोरूला। मोरूला जो है वो लफ्जी मतलब निकला है मुलबरी से, जैसे शहतूत होता है लंबा, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक लंबे शहतूत की तरह होता है मुड़ा हुआ, इसलिए इसे मोरूला कहा जाता है। और ये योक के ऊपर पड़ा होता है और ये तकरीबन दो या दो से ज़्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। इसकी जो लेयर होती है सेल्स की उसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं, और हर सेल को यहाँ पर हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। इस स्टेज के ऊपर, जब योक के ऊपर सेल्स की दो या दो से ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं माइटोसिस के बाद, क्लीवेज के बाद, इस स्टेज को मोरूला कहते हैं। मोरूला जो है ये कुछ अरसे तक ही रहती है, उसके बाद फिर ये अगली स्टेज पे चली जाती है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मोरूला और ब्लास्टुला में, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ब्लास्टुला में एक कैविटी डिवेल्प हो जाती है, जो सेल्स होते हैं वो योक से ऊपर उठ जाते हैं और उनके दरमियान एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। इसी कैविटी की वजह से इसे ब्लास्टुला कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये योक है, अब योक थोड़ी सी नीचे धंस गई है, इसके ऊपर जो ब्लास्टोमियर थे, ब्लास्टोडर्म थी, वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, तो दरमियान में आपको एक कैविटी नज़र आ रही है जिसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। तो ये जो रेड कलर की योक है उसके अंदर ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं,
और ये जो ऊपर लेयर है सेल्स की, इसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं, जो कि दो या दो से ज़्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इस स्टेज को हम नाम दे देंगे ब्लास्टुला। इसके जो सेंटर वाले सेल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिफाइंड होते हैं, सही रेगुलर सेल होते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन वाले सेल्स होते हैं ये योक के साथ थोड़े से जुड़े हुए होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं, और जबकि सेंटर वाले सेल जो हैं ऊपर की तरफ उठे होते हैं, जबकि मार्जिनल सेल जो हैं वो योक के साथ जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, अटैच रहते हैं, एडहियर रहते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो क्लीवेज हो गई, क्लीवेज के बाद मरूला बन गया, मरूला के बाद ब्लास्टुला हो गया। ब्लास्टुला के बाद अगली जो स्टेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे गैस्ट्रुला कहा जाता है या गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। इसके दौरान जो सेल्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और उससे जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। जर्मिनल लेयर्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से फिर आगे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, उसको बनाएंगे तो फिर ही जाकर आगे डिवेलपमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो आइए उसको भी देखते हैं। अब ये जो ब्लास्टुला है मैंने उसको यहाँ पे ले आया हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। अब ये जो प्रोसेस है सारा, ये कहाँ पर हो रहा है? योक के ऊपर हो रहा है। जैसे जैसे सेल डिवीजन हो जाती है, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में तब्दील हो जाता है, तो इसकी जो जो बॉडी जो एम्ब्रियो है इसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। ये राउंड से फिर जो है नाशपाती की शक्ल का जो है वो होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप उसकी शक्ल जो है वो आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये ब्लास्टुला जो है ग्लैस्ट्रुला में जब तब्दील हो जाता है, ये रेड कलर की जो है ये जॉक साइडों पर आपको नज़र आ रही है, और इसके ऊपर ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये एम्ब्रियो है। अब ये जो एम्ब्रियो है ये गोल की निस्बत अब थोड़ा सा लंबूतरा हो गया है। ये इसका हेड वाला हिस्सा है, सिफलिक एंड है, और ये इसका टेल वाला हिस्सा है। जब ये हमें नज़र, हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं इस हालत में, तो क्या होता है कि इसके हमें किनारे के ऊपर एक एरिया नज़र आता है जो थोड़ा सा डार्क होता है, इसे हम कहते हैं एरिया ओपेका। और उस एरिया ओपेका के अंदर हमें एक लाइट हिस्सा नज़र आता है जो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का शेड करके बनाया हुआ है। इसमें से लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है और ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एरिया ओपेका, इसे एरिया पेलुसिडा कहा जाता है। तो बाहर की तरफ एरिया ओपेका है जो कि योक के साथ साथ अटैच है, और ये धुंधला है, ओपेक से निकला है धुंधला, और लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता। जबकि एरिया पेलुसिडा जो है ये सेंट उसके बाद आता है ब्लू कलर का, और इसके अंदर जो है ये लाइट को ट्रांसमिट कर देता है, इसे एरिया पेलुसिडा कहा जाता है। उसके सेंटर में अब जो एम्ब्रियो है वो लंबूतरी फॉर्म में आ गया है, लंबी फॉर्म में आ गया। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से उसका क्रॉस सेक्शन काट कर आपको यहाँ पर दिखा दिया। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करके देखते हैं, मैंने अब ये लंबूतरा जो एम्ब्रियो है इसको मैंने दरमियान से काट दिया है, और इसको फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया। तो जो जो सेल्स की यहाँ पे दो लेयर थी ब्लास्टोडर्म की, उन दो लेयर्स के दरमियान स्प्लिटिंग हो जाती है। दो लेयर्स जो हैं सेल की जो टॉप मोस्ट हैं उन वो स्प्लिट हो जाती हैं। जो ऊपर वाली सेल की लेयर होती है उसे एपीब्लास्ट कहते हैं, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं। जो एपीब्लास्ट है सबसे ऊपर वाली लेयर, उससे फ्यूचर में एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनेंगी, जबकि नीचे वाली जो हाइपोब्लास्ट है इससे एंडोडर्म बनेंगी। तो यही तीन लेयर्स बनानी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और फिर आगे उनकी ऑर्गेनोजेनेसिस के जरिए बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं वो बनाए जाते हैं। अच्छा, हाइपोब्लास्ट जो है ये तो ग्रो करेगी योक के इर्द गिर्द और एंडोडर्म बन जाएगी, ये बहुत ईजी होता है, सिंपल प्रोसेस होता है। जबकि एपीब्लास्ट जो है ये बाहर की तरफ, तो एक्टोडर्म बहुत इजीली माइटोसिस के जरिए बना देती है, लेकिन जो अंदर मीजोडर्म बनने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसमें क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये क्योंकि लंबाई के रुख होता है लंबूतरा, इसके अंदर मीजोडर्म बनाने का प्रोसेस जो है वो हम सीखेंगे, समझेंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। होता क्या है कि एंटीरियर सिरे से पोस्टीरियर सिरे पर एम्ब्रियो की डोर्सल साइड के ऊपर हमें एक दराड़ नज़र आती है। दराड़ से मुराद है गहराई, एक लकीर सी नज़र आती है, इसे नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का। ये बेसिकली ये क्या होता है कि एम्ब्रियो की जो एपीब्लास्ट है वो सेंटर में से दबना शुरू हो जाती है, और यहाँ से जो सेल हैं अंदर की तरफ जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं दोनों साइडों से।
एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, आगे से भी और पीछे से भी और साइडों से भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये ऐसे जाते हैं और अंदर बैंड हो जाते हैं। कैसे बैंड हो जाते हैं? माइटोसिस के जरिए। यहाँ पे देखें, ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है और इसके नीचे योक है। इनके नीचे फिर यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी भी है जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी। ब्लास्टोसील के ऊपर ये जो एपीब्लास्ट है, इसके कुछ सेल यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है। ये मीजोडर्म बनाने वाले सेल हैं, ये माइग्रेटिंग सेल हैं जो कि फ्यूचर की मीजोडर्म बनाएंगे। लिहाजा यहाँ से जो सेल्स हैं वो ऐसे अंदर जा रही हैं, और अंदर जो स्पेस है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, वहाँ पर जाकर ये मीजोडर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। तो फिर देख लें कि जो एपीब्लास्ट ब्लास्टोडर्म की लेयर थी, ये मुस्तकबिल में क्या बनाएगी? एक्टोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर हो जाएगी और मीजोडर्म अंदर जो दरमियान में बनेगी। हाइपोब्लास्ट जो है ये जब ग्रो करेगी तो ये पूरी योक के इर्द गिर्द ग्रो करेगी, नीचे से ऊपर से नीचे आ जाएगी, जैसे ये है ऐसे, इधर से भी और इधर से भी, और पूरी योक को कवर कर लेगी। और इस तरीके से जो बनने वाली लेयर होगी उसे हम एंडोडर्म कहेंगे। तो इस तरीके से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और फिर मीजोडर्म, जो तीन लेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मीजोडर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको मज़ीद डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से वही एम्ब्रियो वाला हिस्सा जो है वो काट कर यहाँ पर बड़ा कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें एम्ब्रियो के इस हालत में, तो एम्ब्रियो के अंदर जब सेल माइग्रेट हो रहे होते हैं, यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही होती है, तो इसके अगले हिस्से पर एक इन्वेजिनेशन बन जाती है, गड़ा सा बन जाता है, जिसे कहते हैं हैंसन्स नोड। हैंसन्स नोड जो है ये वो जगह है जहाँ से सेल अंदर माइग्रेट करके नोटोकॉर्ड बनाते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा। और इसके बाद फिर आगे यहाँ पर आपको लंबी दराड़ नज़र आ रही है सेंटर में, जिसे प्रिमिटिव ग्रूव कहा जाता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। और इसके ज़रिए सेल जो हैं वो दोनों साइडों से, आगे से भी और पीछे से भी अंदर जा रहे हैं। क्या बनाने के लिए? मीजोडर्म बनाने के लिए। और इसके जो किनारे हैं इन्हें हम नाम दे देते हैं प्रिमिटिव रिजेस। अब इसको डिटेल के साथ समझने के लिए देखें, ये योक है, तो योक के ऊपर जो एम्ब्रियो है उसको मैंने यहाँ पर काट लिया ताकि उसको हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर सकें। अब यहाँ पर देखें तो ये एपीब्लास्ट है जो कि अब मॉडिफाई होकर एक्टोडर्म में तब्दील हो जाएगी। ये हाइपोब्लास्ट है जो मॉडिफाई होकर किस में तब्दील हो जाएगी? एंडोडर्म में। इसके नीचे क्या है? योक है, जिसके ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है कंप्लीशन का। अब ये जो सेंटर में सेल्स हैं ये कौन से हैं जो कि माइग्रेट होकर इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आ रहे हैं? अब इसको यहाँ पे देख लें, फिर उसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ये जो सेंटर में घड़ा पड़ा हुआ है इसे कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ग्रूव कहते हैं गहरी जगह को। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो सेंटर में हिस्सा है ये ग्रूव है, यहाँ से सेल जो हैं वो ऐसे माइग्रेट होकर अंदर की तरफ जा रही हैं। इसके जो उभरे हुए किनारे हैं, ये वाला और ये वाला, इसे कहते हैं प्रिमिटिव रिजेस, यानी वो उभरे हुए किनारे हैं। ये भी प्रिमिटिव रिज है, ये भी प्रिमिटिव रिजेस है। अब यहाँ से जो सेल हैं वो देखिए अंदर माइग्रेट हो रही हैं, ये रेड वाले मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं, अंदर जाकर फिर ये साइडों पर चले जाते हैं दोनों लेयर्स के दरमियान में। यहाँ पर ये बनाएंगे मीजोडर्म। अब मीजोडर्म जो है ये मिडल लेयर होती है सेल एम्ब्रियो की। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर तो नोटोकार्ड होगा, वो भी मैंने बनाया नहीं है। इस साइड पे सोमाइट्स होते हैं, वो भी मैंने अभी शो नहीं किए, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा। तो ये देखें सेंटर में जो सेल्स हैं वो सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर उन्होंने एक लेयर ऑफ सेल्स बना दिया जिसे कहते हैं डॉर्सल मीजोडर्म। डॉर्सल मीजोडर्म जब बन जाती है तो उसकी साइडों से सेल्स माइग्रेट होकर निकलते हैं। ये देखें इस तरफ भी आ गए हैं और इस तरफ भी आ गए हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं लैटरल प्लेट मीजोडर्म। ये भी क्योंकि मीजोडर्म का हिस्सा होते हैं इसलिए इसको लैटरल प्लेट मीजोडर्म कहते हैं। लेटर ऑन फिर क्या होता है कि ये जो लैटरल प्लेट मीजोडर्म के सेल्स होते हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं, फट जाते हैं और दो लेयर्स में तब्दील हो जाते हैं। इधर देखें तो ये देखें अपर लेयर है सेल्स की, इधर देखें तो ये लोअर लेयर है सेल्स की। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो ये अपर लेयर है सेल्स की और ये लोअर लेयर है सेल्स की। नीचे योक है और योक के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब ये जो लैटरल प्लेट मीजोडर्म है जो कि डॉर्सल मीजोडर्म से निकली है,
वो जब स्प्लिट होती है तो दो लेयर्स बनती हैं। उन दो लेयर्स में जो ऊपर वाली लेयर है उसे सोमैटिक मेसोडर्म कहते हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसे स्प्लैंचिक मेसोडर्म कहते हैं, या स्प्लैंकिक आप पढ़ लें, मेसोडर्म कहते हैं। उस ये जो आप नीचे वाली लेयर है जिसे एंडोडर्म कहते हैं, अब इसने पूरी योक को कवर कर लिया। ये जो ऊपर वाली एपिब्लास्ट थी, अब ये मुकम्मल तौर पर एक्टोडर्म में तब्दील हो जाएगी। जो सेंटर में सेल आ गए थे वो अब क्या बन चुके हैं, मीजोडर्म बन चुके हैं। और ये पहला प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें गैस्ट्रुलेशन का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और थ्री जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं। ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं फिर आगे डिवेल्प होते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें ये तीनों लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवेल्प होते हैं। अब उसके लिए मैंने थोड़ी सी समरी यहाँ पर आपके लिए बना दिया। जर्म लेयर्स जो होती हैं वो तीन होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये जो तीन लेयर्स हैं फिर आगे इनको अपना अपना रोल सौंप दिया जाता है, कहा दिया जाता है कि तुमने ये बनाना है। मिसाल के तौर पर जो एक्टोडर्म है उसे कहा जाता है कि आपने नर्वस सिस्टम बनाना है। नर्वस सिस्टम में पहले नोटोकॉर्ड बनेंगे, जिससे वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाएगा, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आ जाएंगे। ये सारे का सारा रोल जो है वो एक्टोडर्म को दे दिया गया है। इसी तरीके से एक्टोडर्म को ये भी कहा जाएगा कि तुमने एपिडर्मस बनानी है, जो कि स्किन होती है, बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसमें फिर आगे नेल्स भी आ सकते हैं, विंग्स भी आ सकते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ भी आ सकते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग सारी जो है ये एक्टोडर्म की जिम्मेदारी में आ जाती है। मीजोडर्म के जो सेल्स होते हैं, जो कि सेंटर में बने होते हैं, उनको कह दिया जाता है कि आपने बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो बनाने हैं। कार्डियक मसल हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, इसके साथ साथ स्केल्टल मसल्स हो गए, वो बनाने हैं आपने। कनेक्टिव टिश्यू बनाने हैं, जितने भी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसमें ब्लड आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है, बोन्स आ जाती हैं, वो सारे आपने डिवेल्प करने हैं। तो इनको अपना अपना रोल कर दिया जाता है। तो आगे आप खुद समझ सकते हैं कितना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। तीसरा जो प्रोसेस है फिर एंडोडर्म है। एंडोडर्म को भी रोल दे दिया जाता है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, गट बनानी है, जिसमें इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेंक्रियाज है, क्लोइका है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, इसके अलावा और जितने भी ऑर्गन हैं वो आपने डिवेलप करने हैं। तो इस तरीके से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जर्मिनल लेयर्स के बाद मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया वो ये था कि जो जब दो लेयर्स एक्टोडर्म की बनती हैं, सोमैटिक मीजोडर्म और सॉरी मीजोडर्म की जब दो लेयर्स बनती हैं, सोमैटिक और स्प्लैंकिक, इनके दरमियान में एक कैविटी डिवेल्प होती है जिसे सिलोम कहते हैं। ये सिलोम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तमाम वर्टिब्रेट जो हैं ये सिलोमेट्स होते हैं और इनकी बॉडी में एक कैविटी ज़रूर होती है जिसे सिलोम कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो बनने के बाद फिर आगे क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद जो है वो मरूला बनता है, मरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान डिफरेंट जर्म लेयर्स एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट बनती है, और फिर उन दो लेयर्स से आगे तीन लेयर्स बनती हैं जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होती है। और उससे फिर आगे ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको न्यूरुलेशन और नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा समझा दूँगा, और इसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो आई होप के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।